महाभारत होने का उत्तरदायी द्रौपदी को माना जाता है और आज के इस एपिसोड में हम इसी बात का जिक्र बेहद ही डिटेल से करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लॉक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। सच तो ये है कि महाभारत युद्ध में दी गई ये कहानी है कि जब दुर्योधन युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए हस्तिनापुर आता है तो मायावी महल में जहां उसे धरती दिखी वहां पानी होने के कारण वो गिर जाता है और जहां उसे आने जाने का मार्ग दिखा वहां उसका सर टकरा जाता है। और ऐसा उस मायावी महल में सिर्फ बनावट के भ्रम के कारण होता था, यानी जैसा दिखता था वैसा वास्तविक नहीं था। यह देखकर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सारे दास दासियों का उस पर हंसने का उल्लेख है। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से दुर्योधन को खड़ा करने को कहा। इस कथा में कहीं भी द्रौपदी का नाम नहीं है। और जब दुर्योधन वापस अपने घर को लौटता है तब वो अपने पिता को मायावी महल के बारे में उल्लेख करता है। उसमें वो द्रौपदी सहित अन्य महिलाओं का नाम भी लेता है और इसमें भी अंधे का पुत्र अंधा इस कथन का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। ये अपमानजनक बात तो उसे कम से कम धृतराष्ट्र को तो बतानी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। द्रौपदी एक महारानी थी, क्या वो एक छोटी सी बच्ची की तरह किसी को गिरते हुए देखकर भला ऐसे कैसे कह सकती हैं? दुर्योधन उनके पति के ज्येष्ठ अनुज थे। वो अपने स्वजनों के लिए ऐसे कटु वाणी बोलने का साहस भी नहीं कर सकती थी। वो द्वापर युग था, जीवन से ज्यादा वाणी का मोल होता था। जब माता कुंती ने यह कह दिया कि जो भी हो उसे पांचों भाइयों में बांट लो, तो क्या हुआ, द्रौपदी को पांच पतियों की पत्नी बननी पड़ी। इतना महत्व था वाणी का। वैसे द्रौपदी संस्कारी बहू और बेटी थी, भला वो ऐसा कैसे करेगी, अपने माता पिता के यश को क्यों खंडित करेगी। और ऐसा करने का उल्लेख हमें वेद व्यास के महाभारत में कहीं भी नहीं मिलता है। अब ये मान ले कि उसने ऐसा कहा था, लेकिन युद्ध का आधार कौरवों और पांडवों का जन्मजात बैर था। इस युद्ध की नींव तो पहले से ही पड़ चुकी थी। किसी के कटाक्ष ने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति शत्रुता पैदा नहीं की थी। और क्या आपको ऐसा लगता है कि द्रौपदी के कटाक्ष के द्वारा ही दुर्योधन ने पांडवों से इंद्रप्रस्थ छीना होगा और फिर उसे लौटाने से इनकार कर दिया होगा? सच तो ये है कि उसमें बचपन से ही ये आकांक्षा पाल रखा था कि पांडवों से इंद्रप्रस्थ को हथियाया जाए। इस हिसाब से अगर सोचे तो यह भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि कर्ण ने अगर द्रौपदी को वेश्या न कहा होता तो महाभारत युद्ध ही नहीं होता। ये सब घटनाएं बहुत प्रमुख हैं महाभारत युद्ध के होने में, लेकिन अकेले द्रौपदी पर ही क्यों महाभारत युद्ध होने का कारण लगा दिया जाता है? स्त्री होना कोई पाप तो नहीं है, असद्ध तो कर्ण ने भी बोला था, लेकिन उनका जिक्र कहीं युद्ध करवाने में होता ही नहीं। दुर्योधन की मानसिकता तो आरंभ से ही सबको पता थी और वो युद्ध की पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार कर चुका था, जैसे कि भीम को विष देना और गंगा में फेंक देना, जुए में सारा धन जीत लेना, फिर द्रौपदी का चीरहरण करवाना। लेकिन आज किसी भारतीय से पूछे तो वो यही कहेगा कि द्रौपदी का वही कटु वचन, अंधे का पुत्र अंधा ही युद्ध का असल कारण माना जाता है। सच्चाई तो ये है कि चीरहरण के पहले द्रौपदी कभी भी दुर्योधन के ऊपर हंसी नहीं थी। द्रौपदी ने तो अपने पांच पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा तक को क्षमा कर दिया, जिस स्त्री ने अपना अनैतिक विभाजन भी सहन कर लिया, जिसने दूसरों के वचनों का मान रखा वो भला ऐसे कैसे कर सकती। और यह कथन कोई ज्यादा पुराना नहीं है, पहली बार धर्मवीर भारती ने अपने नाटक अंधा युग में किया था जो कि बेहद ही प्रसिद्ध रही। फिर 1988 में B.R. चोपड़ा ने महाभारत सीरियल बनाया। उन्होंने उसमें सब कुछ किया जिसमें द्रौपदी के चरित्र को बिगाड़ कर दिखाया गया। अंधे का पुत्र अंधा इस कथन को उन्होंने अपने सीरियल में बड़ी शान से दिखाया। फिर वही कथन
कथा वाचकों ने भी कह सुनाई। लोगों को लगने लगा कि द्रौपदी के बड़ बोलेपन के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेद व्यास जी ने तो मूल प्रसंग में भी द्रौपदी का जिक्र नहीं किया था। जब दुर्योधन और शकुनि के बीच बातचीत हुई तो दुर्योधन ने पांडवों की बढ़ती हुई समृद्धि और दास दासियों के द्वारा अपने अपमान को अपने दुख का कारण बताया, और यह अकारण ही द्रौपदी को युद्ध का उत्तरदायी माना जा रहा। ऐसी कथाएं द्रौपदी के प्रति लेखक लेखिकाओं का अदृश्य कुंठा का धधकता हुआ प्रमाण है। अग्निकुंड से जन्मी द्रौपदी ने कब सोचा होगा कि उसने जो शब्द कहे ही नहीं, उसकी आंच भी उसके दामन को दागदार बनाती रहेगी और भीष्म की तरह मुंह बांधे दर्शक भी बने रहेंगे। बेहतर होगा आप मूल महाभारत का अध्ययन कर माँ द्रौपदी को इस कलंक से मुक्त करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है महिलाओं की बातें केवल महिला दिवस पर न की जाए, बल्कि हर दिन महिलाओं के सम्मान और उनके उन्नति की बात की जाए। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।